एक तो ये देखें जो मटन जो होता है ना, ये होता है खानों का सरदार माशाल्लाह। हाय हाय हाय, क्या बनेगा बोला। टेस्ट तो जो है ना हमेशा आप ऐसे ही जो है ना इसका, तो खाने की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो खाना तो आपको लाजमी जद्दा में, मैं आज कवर तो नहीं करूँगा, फैमिली साथ होगी, लेकिन जो खाएंगे वो आपको बताएंगे। जद्दे आ गए हैं और जद्दे में पहला स्टॉप जो है ना वो है जी रोमांसिया पे। रोमांसिया जो है ना जहाँ से आपको बेहतरीन मंदी मिलती है। ये फाइनल नहीं हो रहा, ऊँट की मंदी वैसे होती बड़ी टेस्टी है, लेकिन रोमांसिया की पहले ट्राई नहीं की और यहाँ पे आई भी ये नहीं है। बहरहाल हम लोग अभी लहम मंदी लगवाएंगे, एक मदबी लगवाएंगे और साथ में दजाज लगवाएंगे। तो इनकी जो नफर मंदी है वो है तकरीबन 81 रियाल की। अच्छा ये ऑर्डर आ गया हमारा और यहाँ पर ये है जी इनकी लहम मंदी और यहाँ पर है जी ये है दजाज मदबी। अच्छा मदबी मैं बता दूँ ये वो होता है जो पत्थर पर बनाया होता है, ये मदबी आपको लहम में भी मिल जाता है। और ये रोमांसिया की है और रोमांसिया में एक चीज़ है कि रोमांसिया जो है ना आपको एक तो ये देखें जो मटन जो होता है ना ये होता है खानों का सरदार माशाल्लाह। ये साथ में ये मैश पोटैटो भी हैं, ये मिर्च चेक करें ज़रा, ये इनकी सर्विंग है। साथ में छत्ता जो है ये वाला आपको साथ मिलता है, ये बड़ा इनका टेस्टी है, ये आपको जो है ना सेपरेट मिलता है। ये है जी इनकी दजाज मदबी। मदबी मैं फिर आप बता दूँ ये पत्थर पर बनी होती है, वो मदबी में लहम भी मिल जाता है। बहरहाल आप खाना शुरू करते हैं। और आप कभी जद्दा में आए तो जद्दा में दो तीन मंदी वाले हैं, एक मताम सद्दा है, मताम सद्दा वो वैसे आपको साथ में सूप वगैरह भी देते हैं, उनके छत्ते किसी काम के नहीं है, उनकी मंदी बड़ी अच्छी है। बहरहाल एक मताम रदान का यहाँ बड़ा नाम है, मताम रदान में मतलब बहुत मंदी खाई हुई है, लेकिन अब आजकल जो है ना रोमांसिया माशाल्लाह बहुत चल रही है। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो रश माशाल्लाह लगा हुआ है, बाहर पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये हम लोग हैं शारा कुरैशवरी ब्रांच पर। तो आप अगर एक और बात बड़ी अहम जो है, मदाम रोमांसिया जो है आपको मक्का मुकरमा में भी मिल जाता है जबले उमर पे, पहले नहीं था लेकिन अब आपको जबले उमर पे मदाम रोमांसिया मिल जाता है। सो अगर आप जो सऊदी अरब में आए, मक्का में आए और हरमैन के करीब में आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है अनटिल अनलेस अगर आप किसी ब्रांडेड फूड से ना खाएं, तो वहाँ पे आप मदाम रोमांसिया ज़रूर ट्राई करें अगर आप मंदी खाने के शौकीन हैं। टेस्ट तो जो है ना हमेशा आप ऐसे ही जो है ना इसका मज़ा आता है ट्रेडिशनल स्टाइल में अगर आप खाएँ इसको। साथ में आप इनका छत्ता इस्तेमाल करें, चम्मच वैसे होते हैं लेकिन चम्मच आपकी मर्ज़ी, आपने इस्तेमाल करना हो तो करें। और यहाँ से जो है आप थोड़ा सा लहम लें, यही ले लें और फिर इसके बाद सऊदियों की तरह इसकी गेंद बनाए। वैसे सऊदी बायां हाथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ओह इसके ऊपर अगर आप ये हल्का सा, हाय 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 क्या बनेगा बोला। ओ हो मैं तो ये जी सूप बना रहा। और यहाँ पे मेज़बान जो है ना मिठाई की दुकान है और ये खालिस इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको इनकी भेलपूरी, पानीपुरी, सेवपूरी, राज कचौरी और इस तरह की चटपटी जो है ना सारी चीज़ें मिल जाती है। बहरहाल यहाँ पे लोग इनकी चाय पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जद्दा हय लजीजिया सूख मीनारा में ये दुकान आपको मिलेगी। कई वैरायटी आपको मिलती है सायर आलम पे, यहाँ पे विटामिन भी है। बहरहाल सायर आलम के रेट भी जो है ना वो अच्छे हैं और इनका जो है वैसे ट्राई करने वाला, एक तो अराइसी जो है ना वो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए। अराइसी ये है इनका अराइसी, इसमें जो है ना एक तो मिक्स फ्रूट्स होते हैं, आइसक्रीम होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कॉकटेल का जूस बड़ा ही शानदार होता है। बहरहाल मुझे आइसक्रीम के बगैर पसंद है, वो आपकी मर्जी खराब ज़्यादा मीठा जो है ना हजम कर लेते हैं। ये इनका कॉकटेल है, ये है इनका मुकादू, ये आपको हर पैकिंग में मिलता है, ग्लास भी और लीटर, ये लीटर की पैकिंग भी। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि आपको हर जगह से अच्छा खाना जो खाने वाला हो ना वो आपको मैं आप तक पहुंचाऊं। सो आपको साथ साथ खाने भी दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। अब कल आपसे इंशाल्लाह ताइफ में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।